प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। पिता हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति मिले यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, आज सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे चिन्ह में एक नया सूर्योदय किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन, हर एक मसीह भाई बहन जन जो आपके परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से खुदावन आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, वो हर एक मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है। पिता परमेश्वर, यदि आज आप संसार में पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के भले भंडारी आप हैं। यदि आज आप संसार से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफें और चिंताएं और मुसीबतें आएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर पर यकीन रखो, भरोसा रखो, जिसने आपको रचा, जिसने आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता, आपके रिलेशन को परमेश्वर ने अभी तक बरकरार रखा और सुरक्षित रखा। आज हमें घबराने की बात जरूरत नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना, आज हमें बिल्कुल भी हताशा और निराशा का सामना नहीं करना है। यदि आज हमारा सच्चा मन, यदि संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रख के, खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जीवन में हमारे कभी भी किसी चीज की कोई घटी या फिर कमी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत परमेश्वर ने दी है। कुछ ताकत और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आप हर एक मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को अंत तक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग प्रार्थना में आ सके। यदि हमारे एक शेयर करने से एक व्यक्ति मसीह में आ जाता है, एक नया व्यक्ति कोई मसीह में आ जाता है, उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। यदि आपके एक वीडियो शेयर कर देने से, तो हो सकता है आपके जीवन में इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि और इससे बड़ा आपकी ज़िंदगी में कोई कार्य नहीं हो सकता है। यदि आज हम फरिश्तों को, जो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके फरिश्तों को, उसके स्वर्गदूतों को यदि हम खुशियां मनाते हुए देखना चाहते हैं, उनको झूमते हुए देखना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा खुशियां आप देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपके घर में जीवन की रोटी है, वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के घर में रोटी है, लेकिन और अदर लोगों के जीवन में भी वो रोटी पहुंचनी चाहिए। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का ज्ञान, वो है परमेश्वर की बुद्धि और समझ जो हमें, आप और तुम्हें सबको देता है, वो परमेश्वर ही सुना सके के नाम से। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर के वचन पे जुड़े, और लोग प्रार्थना में जुड़े, और लोग भी आशीष को पाएं और आपको आशीष दे। किचन मसीह भाई बहनों के द्वारा यदि आपके भेजने से किसी मसीह भाई बहन का मन परिवर्तित हो जाता है, किसी का मन जो बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, यदि उसका मन शुद्ध हो गया, तो परमेश्वर वो आपको कहेगा कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से उस भाई के जीवन में पिता आशीष दे, जिसने मुझे ये लिंक भेजा, जिसने मुझे ये वीडियो भेजा, तो आपके जीवन में वो आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते, इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन, जितने लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप में से बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता, भाई बहनी बहन के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके फैमिली के लिए, कोई भी हो सकता है, रिलेशन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ें, उसके रीड करें और आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें, अन्यथा जो मसीह भाई बहन कहते हैं नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो प्लीज़ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जा सकते हैं, इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि जो भी मसीह भाई बहन सच्चे दिल से, सच्चे मन से यदि परमेश्वर के पास वो आया है और वो विश्वास रखता है, भरोसा रखता है कि संकट भरे समय में परमेश्वर मेरी मदद करेगा, इस संकट भरे दुख में मेरी मदद करेगा, मेरी हर प्रकार से मेरी दिनचर्या को, मेरे बेटे के जीवन को चेंज करेगा, मेरी बेटी की लाइफ को चेंज करेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो घर से लेकर के रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके जीवन की घटी और कमी हो, परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफ को आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालेगा। यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं। पिता हम आपके चरणों में आते, जितने भी
मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना सुनते हैं और जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के द्वारा बताते हैं उनके जीवन में परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी मसीह हैं, इस प्रार्थना को केवल विश्वास के द्वारा सुनना, क्योंकि वचन हम पहले आपको इसीलिए समझाते हैं, आपको सिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका मन एकाग्र हो सके, आप वचनों को सुनते सुनते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर विश्वास आए, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, स्ट्रांग हो, क्योंकि हम दिन भर के कामों से थके रहते हैं, दिन भर के प्रॉब्लम से रात भर हम सो करके उठते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। यदि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ भी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो जितने लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप तक, आपके घर के भी, आप पे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता हमें ध्यानपूर्वक पहले वचन को देखना है, उसके बाद हमें प्रार्थना को ग्रहण करना। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे पत्रस हमें समझाते हैं, पत्रस कहते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, परमेश्वर का वचन और पत्रस हमें यहाँ पे समझाते हैं, इन बात को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। आज हम किसी प्रकार से सचेत नहीं है, आज हम किसी प्रकार से चिंतित नहीं है। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए चिंतित है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, उसके लिए हम चिंतित हैं, लेकिन हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं, ना ही हम सचेत हैं कि अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे के लिए, उसको अच्छा लड़का मिले, उसको अच्छी लड़की मिले। ये परमेश्वर से आप प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर से आप क्या कहते हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ। लेकिन जिस दिन आपने अगर चिंतित यानी सचेत रहना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन से आपने सचेत रहना स्टार्ट किया, अभी परमेश्वर के वचन को सुनना है, अभी जानना है, अभी प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदा से विनती करना है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं भोजन करता हूं तो क्या आपका पेट भरेगा? यदि मैं खाना खाता हूं तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं। जिस तरीके से मैं प्यासा हूं, अगर यदि मैं पानी पीता हूं तो मेरा ही प्यास बुझेगा। यदि आप भी अपनी प्यास को बुझाना चाहते, यदि आप भी अपनी भूख को मिटाना चाहते, यदि आप भी अपनी बीमारी को मिटाना चाहते, आप भी अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। आपके लिए हम प्रार्थना कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। यदि आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी में हमेशा काम करेगा? नहीं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और समझना चाहिए। पत्रस ने यहाँ पे कहा है हमें संयमी होकर के प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और हमें सचेत रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है सब से बातों में, परमेश्वर का वचन कहता है सब में श्रेष्ठ बात तो यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर ने क्या कहा, पत्रस ने हमें यहाँ पे समझाया और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो भी हम पत्रस को वचन दिया गया और पत्रस ने जो भी कुछ लिखा यहाँ पे लिखते हैं, पत्रस कहते हैं सब में श्रेष्ठ बात तो यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी अधिक प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर का प्यार अनंत है। परमेश्वर का प्यार अनंत है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, परमेश्वर का वचन कहता है। ये हमें ध्यानपूर्वक देखना है, क्या आज आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके आस में, आपके पड़ोस में, कहीं भी, आप किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी आप क्यों न रहते हों, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम में, उससे अपने से अधिक प्रेम कर, उससे प्यार कर। क्या हम आज करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी बातें होती हैं तो मुझसे उलझ जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, हमें ये होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो ह्यूमंस होता है, जो मनुष्य होता है, उसका गुस्सा जो होता है कुछ समय के लिए कंट्रोल में रहता है, अन्यथा जैसे ऐसी बातें, फालतू की बातें आपके जीवन में आती, तो आपका गुस्सा, आपका कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है। तो ये परमेश्वर जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, अनेक पापों को ढाप देता है।
यदि आज हम किसी के पाप को ढाप देते हैं, यदि कोई व्यक्ति गलती करता उससे गलती हो जाती है, यदि आज हम उसके दिल में उसके अंदर झांक के देखें तो क्या उसका प्यार, क्या उसके उसके प्रति हमारा प्यार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर एक इंसान से गलती होती है, आपको हर एक अपराधों को ढापना होगा, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को। क्या अपने बेटे और बेटियों की गलतियों को आप क्षमा नहीं करते हैं? तो उसी तरीके परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी अपने पड़ोसी के हर अपराधों को क्षमा करो, उसे छोड़ो। और क्योंकि प्रेम में वो सामर्थ्य, वो ताकत है, प्यार में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो आपको एकदम से बदल सकती है। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपकी दिनचर्या, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सकता है। तो ये आज खुदावंद यीशु नासरी के नाम से उसका वचन कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अतिथि सत्कार करो, जिसको वो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर ने कहा है, जो जिसको ज्ञान बुद्धि समझ परमेश्वर ने दी है, ताकत दी है, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है आपके पास, तो आपको उन बातों को ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए, समझना चाहिए और एक दूसरे के सेवा में लगाना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम संपूर्ण मन से यदि विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। इस बात पे यकीन रखना, यदि हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, बीमारियां आपके जीवन में आएंगी, तकलीफें आएंगी, कि वो शैतान आपके जीवन में हमेशा घात लगा करके बैठता है, कब इसका विश्वास कमजोर, कब इसको मैं फाड़ता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, और हमें ध्यान पूर्वक देखना और सीखना और समझने की कोशिश करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन है। आज हमें गलत शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मानता हूं कि सीखने में गलतियां होती हैं और हर एक मसीह भाई बहन से गलती होती है, और चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो मसीह परिवार का, समाज का कोई व्यक्ति हो, यदि उससे कोई गलती होती है तो परमेश्वर उसके अपराधों को, उसके गुनाहों को क्षमा करता है। लेकिन उससे यदि आप सीखते नहीं, आप समझते नहीं, तो परमेश्वर वचन कहता है तू सीखना ही नहीं चाहता, तू समझना ही नहीं चाहता, तू ज्ञान ही नहीं पाना चाहता, तू बुद्धि नहीं पाना चाहता है, तेरे पास ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो तू कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकता है? तो आपको हर पल, हर समय आपके बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई घटिया कभी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की बीमारियों से हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, और तमाम प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर ने दिया हमें। परमेश्वर ने बोल दी, बुद्धि दी, ज्ञान दी, समझ दी, ताकत दी, परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी वचन दिया परमेश्वर ने, जिसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है। तो इन शब्दों का, इन वचनों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आज हमारे पास वो सामर्थ है, वो ताकत है, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको निवेदन करना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा, आज आपको समझना होगा। यदि आज परमेश्वर को आप आधा घंटा समय देते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को वो संभालेगा। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, चैनल के माध्यम से आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी तो आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये कलीसिया है, ये कोई चैनल नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट का जगह नहीं, स्थान नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। यदि आप इस कलीसिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करके, कि आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। यदि आज संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, आप तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, तमाम प्रकार के जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग, जो आपके जीवन से वो जाने वाली सुनासरे के नाम से, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके जीवन से, हर प्रकार के बल, हर प्रकार की अंधी जो शक्ति, शक्ति सा जो है, वो काला जादू जो आपके जीवन में है, किसी प्रकार किसी के जीवन से आपके मिला हुआ है, तो आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके साथ है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावंद आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता, कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग एक संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते हैं। यदि आपका मन कहे तभी आप प्रार्थना को करें।
और यदि आपका मन नहीं करता तो आप प्रार्थना को ना करें। मैं आपसे कहता हूँ, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, और जितने लोग भी मसीह में आए हुए हैं वो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनका मन हमेशा लगता है परमेश्वर के वचन पे। इसीलिए आप संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए और इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए। तो चलिए आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयाँ हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के, कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बता हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, सर्व शक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता, आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या, सिर से लेकर के पैर तक, तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याएं को देख पिता परमेश्वर, इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे, लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने
संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, खुदावन यीशु नासरी के नाम से वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में, परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दिन के जीवन प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपके बिजनेस, आपके जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आज चार्ज करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली है सुनासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए सुनासरी के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सही थे, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो जाए सुनासरी के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, सीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है
यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों भरकर और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती हैं उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएँ, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदावंद वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? जाएंगी कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।